Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kitab ka safa number 69 khole 69 page. Andaze guftugu. Guftugu mein farq. Aaj hum seekhenge ki baat karne ka andaaz hai jo guftugu ka tareeka hai वो मुख्तलिफ होता है कि अगर हम किसी छोटे से बात कर रहे हों तो कैसे बात करेंगे, किसी छोटे से मुखातिब हैं तो हम किस तरह से मुखातिब होंगे, और अगर किसी बड़े अपने से बड़े बंदे से हम मुखातिब हैं जैसे वालदैन, बड़े बहन भाई, उस्ताद, खाला, मामू, चाचू या जो भी कोई बड़ा बंदा है, हमसे उम्र में बड़ा है, तो हम उससे किस तरह से मुखातिब होंगे, उससे कैसे गुफ्तगू करेंगे, उससे कैसे बात करेंगे, इस सबक में हम ये बात सीखेंगे। जब हम किसी दूसरे, खसूसन अपने से बड़े, किसी भी लिहाज से बड़े से मुखातिब होते हैं तो हमारी गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज मखसूस होते हैं। मसलन, आपका इस्म शरीफ क्या है, यानी आपका नाम क्या है, ये अल्फाज हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन, मेरा इस्म शरीफ उसामा है, ये गलत जुमला है। हम अपने लिए हमेशा ये कहेंगे मेरा नाम उसामा है। अब ये एक सरगर्मी दी गई है, इसमें से अपने दुरुस्त जो जुमले होंगे उनके गिर निशान लगाना है। मैं खान साहब का साहबजादा हूँ, तो आप ये नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे मैं खान साहब का बेटा हूँ। दूसरा जुमला है, आपके साहबजादे कहाँ हैं, आपका बेटा कहाँ है, तो अब आप पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, आपके साहबजादे कहाँ हैं। आगे देखें, आप मेरे गरीब खाने पर कब तशरीफ़ लाएँगे, ये दुरुस्त है, आप मेरे दौलत खाने पर कब आएंगे, क्योंकि आप पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए आप गरीब खाना कहेंगे, दौलत खाना नहीं कहेंगे। मैं कल आपके गरीब खाने पर गया था, तो ये आप किसी दूसरे को कह रहे हैं, तो आप उसको गरीब खाने का नहीं कहेंगे बल्कि मैं कल आपके दौलत खाने पर हाजिर हुआ था। आप क्या नोश करेंगे, मैं शरबत नोश कर रहा हूँ। आप क्या नोश करेंगे, आप जब पूछ रहे हैं किसी से कि आप क्या पीना चाहते हैं, तो आप इस तरह से तो पूछ सकते हैं कि आप क्या नोश करेंगे, लेकिन आप किसी को बताते हुए ये नहीं कह सकते कि मैं शरबत नोश कर रहा हूँ, ये गलत जुमला है। आप तशरीफ़ लाइए, मैं तशरीफ़ ला रहा हूँ। आप तशरीफ़ लाइए, ये जुमला दुरुस्त है। मैं तशरीफ़ ला रहा हूँ, ये जुमला गलत है, बल्कि मैं आ रहा हूँ या मैं आता हूँ। मैं ये फरमा रहा था, जब आप अपनी बात कहेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि मैं फरमा रहा था, बल्कि कहेंगे कि मैं ये अर्ज़ कर रहा था। अब अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप क्या फरमा रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप क्या अर्ज़ कर रहे हैं, बल्कि आप कहेंगे आप क्या फरमा रहे हैं।